जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धन्वंतरी नगर चौराहे पर देर रात चार युवकों ने दिनेश केवट नामक एक युवक की हत्या करने के इरादे से उस पर तलवार और लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दिनेश केवट गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे तत्काल इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही संजीवनी नगर पुलिस मेडिकल अस्पताल पहुंची। सीएसपी गोरखपुर एचआर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि डिल्लू केवट और भोला केवट सहित चार लोगों ने दिनेश पर एक राय होकर तलवार लाठियों से हमला किया है। इस मामले में चारों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। चारों मौके से फरार हैं, पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। ये डुल्ली केवट और भोला केवट, इन लोगों ने एक दिनेश केवट को तलवार डंडों से और उनके साथ ही दो और थे, इन लोगों ने करीब चार आदमी थे, इन्हें एक राय होकर के और घेर करके इसको जान से मारने की नीयत से तलवार डंडों से मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गया था। वहाँ पर बाद में एक पुलिस वाले को हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, वो भी दौड़ के आया और तब फिर वो भाग गए थे आरोपी, और उसको उन मुज्जर को लेके यहाँ अस्पताल आए। अस्पताल में उसका इलाज होने के बाद उसमें प्रथम सूचना पत्र 307 के तहत दर्ज की गई है उसके खिलाफ, चारों के खिलाफ, और आरोपियों की तलाश हेतु पार्टी भेज दी गई है, तलाश पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारी मेडिकल अस्पताल के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। पुलिस के मुताबिक दिनेश की इन लोगों से पुरानी रंजिश है, इसलिए इन्होंने उसकी जान लेने के इरादे से उस पर हमला किया। घायल मेडिकल अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।